कंगन, प्लेन वाला चले, गोल्डन वाला चले, 20 रुपया दर्जन, सुंदर सुंदर कांच के कंगन। 5,000 लगा कर रोजी कमा सकता है। मेरे को सर ये 1.5 साल हो गया। पहले मैं गाड़ी मैकेनिक था, डंपर का। अपना बिजनेस 1600 से स्टार्ट किया था। आपकी एज क्या है? अभी मेरा 27 वर्ष। मैंने अपने हाथ से बनाया है सर ये। मेरे पास ना चूड़ी मिलेंगे, कंगन मिलेंगे, थोड़ा चूड़ी है, झुमका भी है। एक टाइम घूमते हैं अपना, हम लोग को 500-600 रोजी बन जाता है। अभी मैं निकला हूँ 7 बजे सर। 7 बजे कितना? 12 बज जाता है सर। उसके बाद में फिर घर, फिर शाम को फिर 4 बजे मैं रायपुर से लेता हूँ। इसमें हम लोग को मिल जाता है 8 रुपया 9 रुपया, 10 रुपया 15 रुपया, फिर जोड़ी में 50 बेचते हैं। 16 रुपये खरीदी पड़ गया, 15 रुपये खरीदी, 5 रुपये 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, बोनी भी नहीं होता है। 4,000-5,000 बिक्री हो जाता है। मेहनत करोगे तभी जाके आसमान छू पाओगे। आज तो सभी सामान बिकता है सर। छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूंगा सोनू भाई को, गैप इंडिया की तरफ से एक छोटा सा रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्ट है। सोनू जी थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। सर सोनू जी कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? अब मेरे को सर ये 1.5 साल हो गया लगभग। 1.5 साल हो गया। तो आप इससे पहले क्या करते थे? पहले मैं गाड़ी मैकेनिक था, डंपर का। अच्छा, डंपर का था? हाँ, बड़ा वाला। तो मैंने सोचा कि खुद का काम चालू करूं। तो मैंने अपना बिजनेस 1600 से स्टार्ट किया था। अच्छा, 1600 से स्टार्ट किया, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में आज मैं अपने धंधे में मैं खुश हूँ। अच्छा हाँ। तो ये मतलब डंपर ऑपरेटर बोले तो डंपर ऑपरेटर? हाँ, गाड़ी मैकेनिक का मतलब। हाँ। बड़ा एक गाड़ी। हाँ। हो गया है ना? जी जी जी। और ये अचानक ये टोटली अपोजिट है, ये कहाँ से? आप चाहते तो गाड़ी का ही रिलेटेड कुछ नहीं, काम? नहीं सर, ये क्या होता है पता सर, ये जो है ना हम लोग जैसे गाड़ी से बनाते हैं बड़ा वाला। हाँ। उसमें गली मोहल्ले में उतना नहीं घुस पाता है। हाँ। ये छोटा सा दुकान है, हर गली मोहल्ले में घुस जाता है ये। हाँ, हाँ। तो हम लोग को अपना छोटा सा दुकान में सब काम हो जा रहा है, तो बड़ा काम करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हाँ। इसी में सब काम हो जा रहा है हम लोग का। हाँ, हाँ। हाँ। काफी यंग हो आप, क्या एज है अभी? अभी क्या सर आपकी एज क्या है? अभी मेरा 27 वर्ष है सर। 27 साल के? जी जी सर। अच्छा गजब, ये दिखाइए तो ये क्या है? जी सर, इसमें मेरे पास चूड़ी कंगन है। अरे वाह, ओनली चूड़ी और फैंसी सामान। हाँ हाँ, के वगैरह वगैरह है ना सर, छोटे छोटे आइटम। मतलब चलता फिरता दुकान बना दी हो यार, एकदम मस्त है ये। हाँ। मुझे जबरदस्त लगा ये कहाँ कहीं देखे थे क्या आपकी ऐसा डिजाइन की? नहीं नहीं सर, ये मैंने अपने हाथ से बनाया सर ये। ये हाँ, खुद से वेल्डिंग किया है और। हाँ। मैंने अपने हाथ से बनाया सर। वाह, क्योंकि आप जानते थे ये सब काम तो नहीं? तो 2 ठो बस बोल्टम ये टिका हुआ है। अच्छा, और तो रस्सी से बंधा उधर से, लेकिन थोड़ा हवा हवा जैसे आप? नहीं नहीं सर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता? दिक्कत नहीं, हम इसके साथ में रहते हैं ना, कहीं जाते नहीं ना। हाँ हाँ हाँ। कहाँ जाएंगे? तो इसको कैसे डिजाइन किया थोड़ा सा बताओगे क्या सर? ये ना बोले यहाँ से पहले बना हुआ है 4 एंगल से। हाँ हाँ। उसके बाद में यहाँ से हुक बना के हम लोग यहाँ से ज्वाइन किए हैं। अच्छा, नीचे से। हाँ हाँ। उसके उधर भी है। हाँ हाँ। उसके बाद में ये टिका हुआ है ये। हाँ हाँ। गिरेगा नहीं ये। और यहाँ से हुक बांध के यहाँ पर टिका दिए हैं। हाँ हाँ। तो ये मतलब ये हिलता भी नहीं है, सॉकअप टाइप का है ना सर, हिलता भी नहीं जल्दी। ऐसे हिलाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये कुछ होगा नहीं, ये देखिए, ये देखो। अच्छा। हाँ। अच्छा, नहीं हिलता, नहीं सही हिलता है। हाँ। और ये क्या लगा है? ये अपना जो दरवाजे में लगता नहीं सर। हाँ हाँ। ये वाला फ्रेम है ये। अच्छा। तो ये इससे पानी वानी नहीं बिकता है इससे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वगैरह वगैरह। ये आप TVS में भी कर सकते थे ना? नहीं सर, वो थोड़ा सा ना दिक्कत होता है TVS में। हाँ। अच्छा। ये हम लोग को, मैं इसको पहला गाड़ी लिया था ना, तो मेरे पास वो गाड़ी नहीं था। अच्छा। तो मैं सोचा इसी में बन जाए। हाँ, सही बात है, क्योंकि लंबा गाड़ी आपके पास था। लंबा गाड़ी बैठते बन जाता है, थोड़ा सा जगह कम है। एडजस्ट हो जाता है सर, एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, आदत हो गया है ना सर। एक नंबर। तो क्या क्या सामान रखते हैं आप? मेरे पास ना सर चूड़ी मिलेंगे। हाँ हाँ। और कंगन मिलेंगे। हाँ। और ये 50 वाला चूड़ी है। हाँ। ये झुमका भी है, है ना, मतलब कंट्री सामान, मतलब फैंसी सामान मिलेगा और चूड़ी कंगन से, मतलब दुकान जाने की जरूरत नहीं है, घर तक हम लोग जाके सेवा दे सकते हैं, ऐसा है। कितने, जैसे आपने 1600 रुपए में से चालू किया था सर, तो 1600 रुपए में कम सामान आया होगा ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले मैं झुमका ही बेचता था। हाँ हाँ। फिर झुमका बेचा, फिर कंगन डाला, फिर
चूड़ी डाला, धीरे धीरे करते करते बढ़ गया। और घर में मेरा और भी मतलब इससे डबल सामान, एक पूरा मतलब पूरा दुकान का पूरा सामान। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सोचे नहीं दुकान खोलने का, कहीं दुकान खोल लूँ या इस टाइप से नहीं सोचा? नहीं सर, उसमें गांव में एक ही जगह उतना प्रॉफिट नहीं होता है। हम लोग एक टाइम घूमते हैं अपना, हम लोग को 500-600 रोजी बन जाता है। तो जाना ज्यादा ठीक नहीं है, घर पे घूम के भेजना चाहता है। ये मतलब आपने देखो पूरा लोहे से पूरा इन्होंने सेटिंग कर दिया, लॉक भी लगा दिया है, मतलब सारा सिस्टम बनाया यार, बढ़िया एकदम एक नंबर सिस्टम लगा। इसको अलग से जोड़ दिया है ना? हाँ, यहाँ ज्वाइंट है, वहाँ ज्वाइंट है। ये भी खुल जाता है क्या? हाँ, ये निकल जाता है। ये कैसे खुलता है? नहीं, यहाँ से खोल, यहाँ नट खोला है ना। अच्छा, नहीं मतलब ये किसी को देना है तो कैसे देते हो? ये यहाँ से निकालते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से निकालते हैं। अच्छा, खुला हुआ है ना? जी जी, मैं सोच रहा हूँ गिरेगा नहीं। अच्छा, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, यहाँ पे रस्सी मार दियो तो ये गिरेगा नहीं। अगर इसको निकालना रहता है तो हम लोग वो नट को खोलते हैं वहाँ से, और मेरे मिसेज और मैं संगीता सतनामी दोनों निकाल के उठा के इसको हम लोग रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अपना गाड़ी है, फिर जैसे को वैसा है, कहीं भी जा भी सकते हैं सर। तो शुरुआत में जैसे कि आप जैसे मोहल्ले मोहल्ले घूमते थे, तो शुरुआत में तो आपको थोड़ा अजीब लगता होगा कि बेचना? नहीं, थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू लगा था, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गया ना, उसके बाद में अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, खुद के काम में ना मन में खुशी रहता है। इसलिए इसलिए रहता है क्योंकि जल्दी काम हो जाता है, किसी के पीछे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ऐसा है सर, और कुछ नहीं है। कितने बजे आप निकलते हो घर से? अभी मैं निकला हूँ 7 बजे सर। 7 बजे? कितने बजे तक फेरी करोगे? अभी 12 बजे तक। 12 बज जाता है सर। फिर उसके बाद? उसके बाद में फिर घर, फिर शाम को फिर 4 बजे। अच्छा, फिर 4 बजे निकलते? 4 बजे। हाँ। अच्छा, फिर खाना वाना खा के आराम से 4 बजे के बाद फिर कितने बजे तक? शाम के तक 6 बजे तक। शाम तक 6 बजे। हाँ, तक। कहीं कहीं बाजार रहता है, बाजार भी कर लेते हैं। बाजार में भी ऐसे खड़ा कर देते हो? नहीं, बाजार में खड़ा करते हैं, फिर सामान बाहर निकालते हैं। हाँ, उसके बाजार में क्योंकि सामान दिखना चाहिए ना सर। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर निकाल के फिर वापस रख देते हैं। अच्छा, वो बिछा के बोरा बिछा के? हाँ, यही आइटम को निकाल देते हो? जी जी सर। तो घर में इसको निकालना पड़ता है कि ऐसे ही रखते हो घर में? ऐसे ही रहता है, और भी गाड़ी है उसमें सामान ले आते हैं। अच्छा, जैसे वैसे रहता है ये। आपने आज ये प्रूफ कर दिया कि आदमी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है सर, है ना? हाँ जी सर। अगर बहाना है तो बहुत सारे बहाना है, बहाना है सर, है ना? आपको ये खर्चा कितना पड़ा है सब सेटअप बनाने में? इसको करीब मेरे को 3000 करीब लगा होगा। 3000 लगभग सर। हाँ, ये तो मेरे को लगता है बहुत कम लोग इस टाइप से करते होंगे। बहुत मैं तो नहीं देखा हूँ इस टाइप से। मैं ये चीज देखा हूँ कि गाड़ी का वो बना देते हैं, फ्रेम बना के, है ना, वो बना के। तो अभी ये सब सामान कहाँ से लेते हैं आप? अभी मैं रायपुर से लेता हूँ। रायपुर से? हाँ, गोल बाजार से। गोल बाजार से वहीं से ले आता हूँ। हफ्ता में जाता हूँ एक बार, वहीं से ले आता हूँ। तो कौन से दुकान से लेते हैं रायपुर में? रायपुर में मैं सर चूड़ी का पूरा होलसेल सामान माता रानी बेंगस मिलेंगे। माता रानी जस्ट सामने में, इसका फैंसी सामान का भी आइटम मिलेगा, जैसे कि अपना गुप्ता का दुकान हो गया जस्ट सामने में, मतलब माता रानी और गुप्ता का दुकान से आमने सामने है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे चूड़ी मिल जाएगा? वहाँ पर आपको हर वैरायटी मिलेंगे आपको सर। हम लोग वहीं से 1.5 साल से हम लोग वहीं से लेते खरीदी करते हैं, और उसके पास हर चीज मिलेंगे सामान। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसमें है, क्या चीज में, क्या आइटम में? सब में नहीं है सर, उतना नहीं है। जैसे इसमें देखो, इसमें हम लोग को मिल जाता है 8 रुपया 9 रुपया, 50 का बेचते हैं सर, है ना? और इसमें क्या है, इसमें 8 रुपया 9 रुपये मिलता है। हाँ, जोड़ी बेचते हैं तो कस्टमर को भी खुश हो जाता है, हम लोग भी खुश हो जाते हैं। हाँ, 10 रुपया 15 प्रॉफिट जोड़ी में, 50 बेचते हैं, सिंगल 30 बेचते हैं सर। हाँ, जोड़ी 50 दे देते हैं। हाँ, और चूड़ी में क्या होता है, ये चूड़ी हम लोग को 20 का बेचते हैं, जिस 16 रुपये खरीदी पड़ गया, 15 रुपये खरीदी, 5 रुपये मिल जाए, टूटा फूटा में कुछ कम हो जाता है खर्चा, ऐसा नहीं है। और ये सब आइटम कैसे कैसे बेचते? ये सब मंगलसूत्र है सर। हाँ, ये सब 30 रुपया 50 रुपया 100 रुपया। हाँ, इस टाइप बिकता है। और ये टिकली? ये सब 10 रुपये वाले हैं सर। 10 रुपये वाले? हाँ, तो आपको कितना पड़ता है 10 रुपये में? ये मेरे को 2 रुपया 3 रुपये मिल जाता है एक ठो में। अच्छा, ज्यादा मार्जिन नहीं है। हाँ ऐसा है सर। और आप जब शुरुआत किए थे तो क्या क्या आइटम रखे थे शुरुआत में? फर्स्ट आइटम मैंने राखी का पहले शुरुआत किया था। अच्छा, राखी का? जी जी, राखी पहले शुरुआत किया था, उसके बाद में ये झुमके का स्टार्ट किया। झुमका स्टार्ट किया, उसके बाद में फिर धीरे धीरे पैसा आते गया। नहीं, मैं अब काम भी कर रहा था,
अच्छा काम भी कर रहे थे? मेरा मालिक भी पहले जहाँ काम करता था ना, वो भी मेरा सहायता किया। अच्छा, है ना। और सुबह सुबह 6 बजे जाता था, 9 बजे तक धंधा करता था, उसके बाद में 9 बजे ड्यूटी जाता था। अच्छा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया सर। हाँ, काम। हाँ। बढ़िया है यार, मतलब आपका ये आइडिया देख के बहुत अच्छा लगा। और काफी यंग हो आप, पढ़ाई वढ़ाई भी किए हो क्या? हाँ, 10वीं तक किया हूँ सर। 10वीं तक, फिर फैमिली का इशू? फैमिली सर, हाँ फैमिली। अभी बच्चे है आपके? हाँ, एक बच्चे है, मेरी बेटी है। अच्छा, तो उसको पढ़ाओगे भी? अच्छा, वो उसके आने के बाद में ही मैंने ये स्टार्ट किया है। अच्छा, हिम्मत कहाँ से लाए? मतलब नॉर्मली बिजनेस को करने के लिए हिम्मत चाहिए होता है, वो हिम्मत कहाँ से बटोरे? मतलब नहीं सर, वो शादी के बाद तो और प्रॉब्लम रहता है सर, बैचलर में तो चल जाता है। जी जी जी, है ना। शादी, आप शादी के बाद चालू किए हो क्या? जी जी सर। जी जी, तो वाइफ बोली नहीं क्यों कर रहे हो, क्या है? सर वो तो बोली कि हम अपने काम पे खुश हैं। अच्छा, वो भले 2 रुपए कमाएंगे लेकिन खुश तो रहेंगे सर, है कि नहीं? तो हिम्मत कहाँ से लाई ये? हिम्मत आ गया सर। हाँ, धीरे धीरे काम आ गया, और करते करते अब बस काम कर रहे थे तो थोड़ा सा, कभी सुबह जाते हैं 9 बजे 10 बजे, उसके बाद में 10 बजे 11 बजे मैकेनिक काम तो ऐसे ही होता है सर, तो है कि नहीं? उसके बाद में काला पीला होना, फिर ये काम चालू किया, उसके बाद में धीरे 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 करते गए, फिर आगे बढ़ गए सर। कभी ऐसा होता था कि काम, मतलब ये जब गाड़ी लेके निकले तो बिजनेस नहीं हुआ, कभी ऐसा भी होता था क्या? होता है सर, होता है। तो कभी दुख तो कभी सुख ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग सुबह निकलते हैं तो कभी बोनी भी नहीं होता है 1 घंटे में, कभी हो भी जाता है, कभी महीने में हफ्ते में अच्छा बिक्री हो जाता है, कभी एक दिन में करीब 2000-3000, कभी कभी शादी सीजन में, अभी शादी सीजन चला तो कभी 3000-4000-5000 बिक्री हो जाता है सर। अभी कल कितना हुआ था बिक्री आपका? कल 4 बिक्री किया सर। 4000? हाँ, 4000 बिक्री। तो हर जगह अलग अलग जाते हो क्या? हाँ, जैसे आज शुक्रवार है, आज कभी नगर आते हैं, कल गुरुवार था, कल मैं जरवा गया था सर। अच्छा, हाँ ऐसा है। ये आइटम गांव में चलेगा क्या? गांव में नहीं सर, तो ये गांव ही तो है सर, ये तो गांव ही है बोले। हाँ। हाँ। अब ये शहर तो रायपुर हो गया ना। हाँ। अब सिटी से पार हुए शहर, गांव हो गया ये, अब तो चलता है बढ़िया सर। अभी इसमें भी बहुत कॉम्पिटिशन आपको मिलता होगा ना? आजकल आपके फेरी वाले बहुत सारे, बहुत ज्यादा हो गए सर, लेकिन सबका चलता है, सबका रोजी बनता है सर, ऐसा नहीं है? हाँ, क्योंकि हर चीज में तो कंपटीशन है। जी सर। हाँ। तो अच्छा है, ये बिजनेस कोई अगर करना चाहता है तो कम पैसे से शुरुआत कर सकता है। अगर आप कोई भी शुरुआत करे तो 5000 लगा के अपना रोज का रोजी कमा सकता है। हाँ, हाँ। ऐसा है सर, इसमें मतलब ना रोजी बनना ही बनना है। हाँ। ऐसा है सर। हाँ, हाँ। भले दिन भर घूमना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करोगे तभी जाके आसमान छू पाओगे सर, नहीं तो कुछ नहीं छू पाओगे। सही बात है। आपने ये अच्छा काम किया, आप बहुत कम एज में ही चालू कर दिया बिजनेस। हाँ। मुझे ये अच्छा लगा। जी सर। नहीं तो नॉर्मली लोग 40 के हो जाते हैं, 45 के हो गए तब। और उधारी होता है क्या इसमें आपको? हाँ, होता है सर। होता है? होता है सर। कितना उधारी अभी मार्केट में है आपका उधारी? हाँ, होगा आराम से 10-12 हजार होगा। 10-12 हजार? ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है सर, ज्यादा नहीं दे पाते। जैसे पुराना कस्टमर होता है ना, तो विश्वास होता है कस्टमर ऊपर में, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं चले पाएगा सर। और इसमें नुकसान होता है क्या? हाँ, चूड़ी नुकसान होता है, चूड़ी में होता है, टूट गया तो या कभी दुकान वाला वापस लेता है? नहीं सर, नहीं लेते। नहीं, वापस नहीं लेता। अच्छा, तो बढ़िया है। और इस काम को कैसे बढ़ाओगे आप बताओ, फ्यूचर में? फ्यूचर में सर अभी तो उतना ज्यादा सोचा नहीं हूँ, लेकिन लाइफ में सर कुछ और आगे बनने का इरादा है, बड़ा करने का, बड़ा करने का इरादा है। इरादा मजबूत है और बहुत, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर। हाँ। और आप ये बजाते हुए निकलते क्या? हाँ सर, यहाँ क्या बजाते हो, दिखाओ तो। इसको चालू कर देंगे, ऑन ऑफ है, यहाँ दबाएंगे ना तो ये चलाएगा। ये कितने का लिए थे? ये 9 रुपए था। यार आप ही रिकॉर्ड किए क्या? हाँ, आप ही रिकॉर्ड किए। ये देखो यहाँ, ये भी बहुत, ये सब भी एक्स्ट्रा। 12 महीने चलता है ये काम? हाँ सर, 12 महीने। 12 महीने है ना? हाँ, 12 महीने चलता है। बढ़िया यार, आपका ये देखा मैं दूर से ही देखा, मैं एक्चुअली वहाँ पे शूट कर रहा था और आपको मैं सुनाई दिया कहीं से कंगन इस टाइप से। जी जी सर। तो अच्छा है। अभी बोहनी हो गया आपका? अभी नहीं हुआ सर, अभी घर से भी आए हैं। अच्छा, जैसे जा रहा था आप रुकवा लिए, अब जाएंगे आगे, अब अच्छा अच्छा कॉलोनी में जाएंगे सर। हाँ ठीक है ठीक है, बोहनी में आपका कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो
अच्छा लगे यार आपका सेटअप, अगर कोई करना चाहते है तो 5000 से कर सकते हैं। और ये सेटअप बनाना चाहे तो भाई साहब लोग, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग देख लो, क्योंकि मैं इनका नंबर दूंगा तो आप इनको पूरा फोन कर करके परेशान कर दो। एक्चुअली बहुत फोन आता है तो मैं आपको सेटअप दिखा दे रहा हूँ। ये बच्चे लोग का खिलौना भी बहुत बिकता होगा ना? हाँ सर बिकता है वो भी। कल क्या सबसे ज्यादा बेचे हो आप, कौन सा आइटम? मेरे पास तो सभी सामान बिकता है सर, सभी सामान सब थोड़ा थोड़ा सभी सामान बिकता है। हाँ, और शादी का सीजन कम हो गया ना तो अभी चूड़ी वगैरह कम बिकता है, लेकिन शादी के टाइम में हम लोग एक गाँव भी नहीं घूम पाते हैं। अच्छा, अभी जैसे अभी एक टाइम में अपना कबीर नगर कॉलोनी हो गया, वहाँ घूमेंगे तब पूरा दिन उसी में चला जाता है। ऐसा ऐसा इसमें लेट लगता है ना सर इसमें। बढ़िया है, आपकी वाइफ भी आपका सपोर्ट करती है? जी सर, जी जी पूरा सपोर्ट। उनको भी बहुत अच्छा, उनको भी मैं कहना चाहूँगा धन्यवाद, आप ऐसा सपोर्ट करते हो। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनके अगर वाइफ भी देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने हस्बैंड का सपोर्ट कीजिए, और इस टाइप से काम आप ज़रूर सक्सेस मिल सकता है। लेकिन थोड़ा हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, कोई भी काम करने के लिए मेहनत खूब चाहिए होता है। आप जितना हो सके और अपना जो सपना है थोड़ा बड़ा रखें तो आपको डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता। सोनू भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, सोनू जी थैंक यू सो मच। और ऐसे लोग को मैं तो कहूँगा कि एक मोटिवेशन है यार, मतलब मोटिवेशन ना छोटी छोटी चीज़ों में अपन को मिलता है देखने को। एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा सोनू भाई को। आप हमारा वीडियो देखते हैं क्या? हाँ देखता हूँ सर। आपको पहले मैं पूछा, ये आपके तरफ से नेवर गिव अप इंडिया की तरफ से एक छोटा सा रिस्पेक्ट है, एक क्लैप है और रिस्पेक्ट है। आज आपको कैसा लगा वीडियो बना के? अच्छा लगा सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़े। जी सर। है ना, अभी तो आपका एज 27 है, अभी आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बड़ा करना है, तो ये तो एक स्टार्टिंग है, है ना, बिजनेस का एक शुरुआत समझो, है ना। शुरुआत ऐसे ही होता है, शुरुआत को बहुत बड़ा आपको पैसा नहीं लगाना होता है, जो ज्यादा पैसा लगा के शुरुआत करते हैं ना, मैं तो कहूँ अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो मूर्ख है वो, है ना। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलने से, और हमको भी, मेरे को भी मोटिवेशन खुद मिलता है। आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे जो देख रहे हैं वीडियो? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी हार ना माने। हाँ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे उस तरह भी वो काम कर सकता है। हाँ हाँ, आराम से अपना रोजी रोटी कमा सकता है और आदमी आराम से खुश रह सकता है। हाँ, दूसरे काम करने से क्या होता है, आदमी को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भाई मेरे को ड्यूटी जाना है, काम जाना है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाता है। मतलब काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना रहेगा तो आदमी आगे बढ़ सकता है। खुद के बिजनेस भी तो मेहनत बहुत है, सातों दिन काम करते होगे? जी सर, हफ्ता भर काम करते। छुट्टी तो लेते नहीं होगे? नहीं नहीं सर। हाँ, क्योंकि छुट्टी लोगे तो फिर पैसा हो जाएगा, अपन बिजनेस सोचते हैं तो फिर छुट्टी उट्टी के बारे सोचते ही नहीं है। जी जी सर। तो अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी जानकारी दिया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ऐसी मेरा वीडियो देखा गया, मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे, और आप ऐसी देख के मोटिवेट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों कभी हार मत मानिए, ऐसे छोटे छोटे लोगों से मोटिवेशन जब हम लेते हैं ना कि इनके अंदर भी बहुत कुछ है भरा हुआ, ये भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत बड़ा भी करना चाहते हैं, पैसे नहीं है ठीक है, ये शुरुआत है, कमाए के धीरे धीरे कमाई होगी। अभी आपकी कमाई कितनी हो जाती होगी महीना? महीना में सर कितना घर ले जाते होगे पैसा? मैं महीने में तो नहीं कह सकता सर, लेकिन हफ्ते में, मतलब हफ्ते में मैं सामान लेने जाता हूँ ना। हाँ, तो करीब 20,000-25,000-30,000 रुपया। अच्छा, सामान लेके आता हूँ। अच्छा, अच्छा, मतलब हफ्ते में उतना हो जाता है। हाँ हाँ जी जी। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, और प्यार दीजिए जितना हो सके प्यार दीजिए, और कभी हार मत मानिए। बहुत समय ऐसा लगेगा कि आपका टाइम, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप निरंतर मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी मत कीजिए, तो ऊपर वाला आपको ज़रूर सक्सेस देगा। देखिए काम चले ना चले, आपको मेहनत हमेशा करते रहना है ना, सक्सेस मिलना ही मिलना है। थैंक यू गाइस ऐसी मेरा वीडियो देखने के लिए, और कभी हार मत मानिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून।